नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के घोषित सातवें चरण में जिले में मतदान किया जाएगा। लोकतंत्र के महापर्व में कुल 18,91,042 मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,92,400 है, वहीं पर महिला मतदाताओं की संख्या 8,98,512 है। थर्ड जेंडर के 130 मतदाता हैं, जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 13,413 है। जिले में 80+ के मतदाताओं की संख्या 36,972 है। नए मतदाता सूची में इस वर्ष करीब 20,000 मतदाता जोड़े गए हैं। जिले में जेंडर रेशियो 905 है। चुनाव के लिए सारी व्यवस्था कर ली गई है। फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज के साथ उनको बूथों पर तैनात किया जाएगा। चुनावी आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिला प्रशासन सतर्कता के साथ आचार संहिता का पालन और चुनावी तैयारी में लग गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के 5 विधानसभा क्षेत्रों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में मतदान कराने की सारी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। जनपद में कुल 1,336 मतदान केंद्र हैं, 22,268 मध्य स्थल बनाए गए। इसके लिए जोनल में स्टेट सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया है और करीब 1,350 बूथों पर वेब कैमरा लगाया जाएगा, जिसे कहीं से भी बैठकर देखा जा सकता है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत तो उसके सारे नियमों को फॉलो किया जाएगा। सर, बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं और कलेक्ट्रेट से भी हटाए गए, सबसे पहले शुरुआत किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और आज हमने सारे हमारे SDM, CEO और SOs के साथ मीटिंग करी है और सभी को टीमें बना के लगाया है। हमने कुल हमारे 5 विधानसभा है, जिसमें कुल 30 टीमें इसके लिए बनाई है और एक विधानसभा में 6 टीमें हैं और सभी ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। और इसमें हमने आज कलेक्ट्रेट से शुरुआत करी है और इसके अलावा अभी शहर में जो एरिया है जहाँ बैनर पोस्टर लगे हैं, वहाँ पर नगर पालिका के सहयोग से हम ये कार्यवाही शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा हमारा ये प्रयास है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जितने भी ये प्रचार प्रसार सामग्री लगी हुई है उसको हटा करके जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है और उसके जो आदर्श आचार संहिता उसका पालन कराया जाए। तो दीवारों पे सर पेंटिंग वेंटिंग किए रहते हैं, तो उसके लिए क्या गाइडलाइन है? उसको डिफेसमेंट करने का प्रोविजन रहता है, उस पर कलर करके उसको मिटा दिया जाता है। और हम प्रयास करते हैं कि जो उम्मीदवार है या जो पॉलिटिकल पार्टी है जो वो मिटा दें, और अगर वो नहीं मिटाते तो अगर हम उसको मिटाते तो उनका जो व्यय है उनका उनसे वसूल किया जाना का नोटिस भेजा जाएगा और उनसे वसूल किया जाएगा। आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हुई है और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और हमने इस पे कार्य भी शुरू कर दिया है। जनपद में हम चुनाव से जुड़ी तैयारियां कर रहे हैं और इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे जनपद में कुल 18,91,000 वोटर है और इसमें 5 विधानसभाएं हैं। इसमें जो 96 विधानसभा है वो SC के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। महिला वोटर्स की संख्या हमारे यहाँ पर बड़ी है और हमारा जो जेंडर रेशियो है वो 905 हो गया है। इसके अलावा जो दिव्यांग मतदाता है उनकी संख्या भी बड़ी है, जो लगभग 13,500 के आसपास है। इसके अलावा जो 80+ उम्र वाले वोटर है उनकी संख्या भी लगभग 36,500 है, उनका भी हमने आइडेंटिफिकेशन किया है। इसके अलावा जो बूथ हमारे क्रिटिकल है और जो वल्नरेबल पॉकेट्स हैं उनमें हमने वेवकास्टिंग की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे कुल यहां पर 2268 बूथ है और उसमें हम 50% से अधिक बूथ अर्थात 1134 से अधिक बूथों पर हम वेवकास्टिंग कराएंगे और उसमें उस कैमरे के माध्यम से मतदान की निगरानी की जाएगी और इसको कोई भी व्यक्ति इसको कहीं से लाइव इसको देख पाएगा। इसके अलावा हम कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कर रहे हैं, वैक्सीनेशन पे हम बल दे रहे हैं। हमारे चुनाव में जितने भी कर्मचारी लगेंगे, लगभग 10,000 कर्मचारी, वो सभी कर्मचारी जो है फुली वैक्सीनेटेड हो गए हैं हमारे। इसके अलावा जनपद में हमने प्रयास किया है कि सभी को वैक्सीनेशन लगे और इसमें 96% हमारी फर्स्ट डोज लग चुकी है। इसके अलावा 57% लोगों को सेकंड डोज भी लग गई है और 57% लोग ऐसे हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। चुनाव से जुड़ी जो अन्य तैयारियां हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और जो फ्लाइंग स्क्वाड वगैरह है और
MCC जो लगी है उसका पालन कराना है। उन सभी की हमने तैयारियां कर ली है और हम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराएंगे। सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन चलते हैं और लोकल जो मिर्ज़ापुर के चैनल होते हैं उसमें सोशल चलते हैं, उसके लिए क्या गाइडलाइन है? इसमें एक MCMC टीम होती है जो मीडिया मॉनिटरिंग के लिए होती है, जो पेड न्यूज़ को भी देखती है और सोशल मीडिया पे जो लोग भ्रामक प्रचार प्रसार फैलाते हैं या ऐसी चीज़ें फैलाते हैं जिससे वैमनस्यता या झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उन पर वो निगरानी रखती है। और पुलिस की भी एक साइबर सेल होती है जो इस पर पूरी निगरानी रखती है, उसके माध्यम से हम निगरानी रखेंगे और अगर कोई इस तरीके के तथ्य प्रसारित करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। कितने अधिकारी लगाए चुनाव में? खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।